नमस्कार, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है। आप सभी का आज हरियाणा के एक छोटे से गांव में SPSTI सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया पहुंची हुई है। कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा गांव सिरसला, यहां से हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यहाँ से आज डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसे आप अपने फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मवीर जी और प्रोफेसर क्या धर्मवीर जी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है फिजिक्स, वो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। और हमारी पूरी तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी है यहाँ पर, और थोड़ी ही देर में लगभग 10:21, जी हाँ, बस एक मिनट ही शेष है और लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण जो है हमारे यहाँ से आप देख पाएंगे हमारी फेसबुक पेज SPSTI के और यूट्यूब चैनल सर्कस ऑफ साइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उसके भी साथ साथ सोसाइटी आपको बधाई देती है। इस समय आपकी स्क्रीन पर ठीक आप देख पा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का सूर्य की जो पिक्चर है, हमने टेलीस्कोप के माध्यम से उसको हमने स्पॉट किया है, कैप्चर किया हुआ है अपने टेलीस्कोप के माध्यम से। और आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो सूर्य है, इसमें आपको पूरा नजर आ रहा है। धीरे धीरे सूर्य के जो है कॉर्नर आपको कटे हुए दिखाई देंगे, यानी कि सूर्य जो है छोटा होता जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक दोनों तरह के तथ्य यहाँ पर मौजूद है। जब सूर्य ग्रहण क्यों लगता है वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस वजह से सूर्य ग्रहण लगता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। और आज इस दिन हमारी पूरी टीम, SPSTI की पूरी टीम कुरुक्षेत्र के गांव सिरसला में पहुंची हुई है, और यहां से लाइव टेलीकास्ट इस समय हम अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सर्कस ऑफ साइंस पर आप सभी को दिखा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कौन से कटना जो है सूर्य शुरू हो चुका है। लाइव सोलर व्यू में आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि सूर्य जो है धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो चुका है, ग्रहण जो है पूरी तरह से स्टार्ट इसमें हो चुका है। और ठीक लाइव व्यू में आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे सूर्य जो है आपको कटता हुआ नजर आएगा, और एक समय पर आकर ये पूरी तरह से बिल्कुल ढका जाएगा चंद्रमा से, और उस समय जो स्थिति होगी वो होगी पूर्ण ग्रहण की स्थिति। और उस स्थिति के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 12 बजे तक का, जी हाँ, क्योंकि 12:01 पूरे एक मिनट पर पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हो जाएगा। वो उस समय आपको सूर्य जो है एक वलयाकार आकार में दिखाई देगा। आप ठीक अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे टेलीकास्ट के द्वारा यहाँ से चला हुआ है। लाइव टेलीकास्ट व्यू सूर्य का, सोलर एक्लिप्स का आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही सुंदर नजारा, बड़ा ही अद्भुत नजारा। सभी दर्शकों को नमस्कार। विशेष है क्यों, आप सबको पता है कि आज योगा डे है और आज साल का सबसे लंबा दिन भी है, तो बच्चों से मैं पूछना चाहूंगी कि क्यों सबसे लंबा दिन है। आज के दिन पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य के सबसे नजदीक होता है। आज अमावस्या है और आज पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य इसी लाइन में है। इस ज्योमेट्री को हम थोड़ी कुछ इमेजेस के द्वारा समझना चाहेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम इंटरनेट पे बहुत कुछ देखते हैं, तो आज वाला सूर्य ग्रहण हालांकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक टाइम में है, परंतु चंद्रमा हमसे थोड़ी ही ज्यादा दूरी के। ओके,
दिस जाना है शोज बताओ। ज्योमेट्री, दिस इज द हिंदी ज्योमेट्री ऑफ द इक्लिप्स। में बेटर यू कैन सी दैट द अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा रीजन हैव बीन मार्क्ड, एंड द कोन ऑफ द अम्ब्रा एंड इन अ पॉइंट एंड बिहाइंड दैट पॉइंट टचिंग टचिंग द अर्थ इज अ स्मॉल कोन। That is where we are. Not yet. We are still in the penumbral shadow. But when we reach that region, which is called Antambra. So, जब वो Antambra region हमारे ऊपर आ जाएगा, तब हमें एक वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखेगा. We will see the annular eclipse. When we are in the antumbral region, so this is another picture showing the elliptic path of the moon around the earth. Can I have the next? Yes, this is the same picture, but maybe a little more clear. And in fact, this is a picture which will explain why we don't have an eclipse every Purnima and every Amavasya. And that is because the path of the moon, the plane of the moon's elliptical path, is tilted to the earth's path by about 5 degrees. Just showing the three types of eclipse that we can have. And it's the middle picture that we are expecting today around 12 noon. हाँ वन मिनट हेलो। हाँ एक और चीज हम कहना चाहूंगा कि वो एक्लिप्स में एट व्हाट टाइम हाउ मच इट इज एक्लिप्स उसको भी इंडियंस कैलकुलेट करते थे। ओके बट सम टाइम ड्यूरिंग द एक्लिप्स हाउ मच इज कवर सन डिस्क उसको ग्रास ग्रास यू नो सो ऑल दीज डिटेल्ड कैलकुलेशंस
used to be done. Okay, so fairly accurate. Okay, thank you. So thank you so much for inviting me and giving me this opportunity to speak. My talk would probably a bit more modern and Western oriented than Professor Sriram's. So we are taught from a very young age that light travels in like a straight line, and it holds very true on Earth here, but is it true everywhere in the universe? And we know that gravity affects everything. Like if it has mass, it has a gravitational field around it, and more of mass that an object has, the more the gravitational pull is. So is it possible that light could also be attracted to this gravitational pull? And to answer this question, the earliest predictions of this were made in like 1801 by a scientist who went by the name Soldner. So back then, the Newton's theory of gravity was prevalent, and he used that to predict that if the light coming from the stars will comes really close to a massive object, it will deflect. So if we skip to a century later, there would be a German scientist who you might have heard of, Einstein, who had also calculated the deflection of light. But instead of using Newton's theory of gravity, he used his own theory of gravity, general relativity, to do this. So what he found was that the amount of deflection that he was getting was half, double the value of what Newton got. And when two theories are predicting two different things, scientists go and design and perform experiments to check which is the right one. So for this experiment, we need a really massive object. And the biggest object in our solar system is the sun itself. So we also need a starlight, light coming from the stars, passing very close to the sun. Unfortunately, the sun is really, really bright. And we cannot and we should not be looking at it with our naked eyes, even during an eclipse. But during an eclipse, what happens is the light coming from the sun is reduced by a lot. And as professors talked about the total solar eclipse, if that happens, then it can be dimmed to such a degree that light coming from the stars will be visible here on Earth near the sun. So what we do need to do for this experiment would be to wait for a total solar eclipse where the moon is completely covering the sun. And in this eclipse, it's a nice ring that will form of the sun. And in the total solar eclipse, we will be able to see nothing. So when we do this, we can see the position of the stars and we can see whether they've changed, which would imply that the light coming from the stars have bent around the sun. And that's what we are seeing on Earth. So with this test of general relativity, German and US astronomers had decided to go on an expedition in 1914. And they went to Crimea, which is near present-day Russia and Ukraine. So unfortunately, in that year, First World War started too, and the Germans had declared war on Russia. So the German astronomers had to return home, or they were taken as prisoners. We're not sure what exactly happened. The US astronomers stayed, but the weather was quite bad and no observations could be made. Fast forward 2 years later, there was an English astronomer by the name of Eddington who had come across Einstein's general relativity during the height of this disastrous war. He had got these papers from a Dutch scientist called De Sitter, who was neutral during the war, and he had sent German papers to Britain to Eddington. And Eddington was very fascinated by this new theory. He completely understood the significance of it, and he thought it to be true, and he wanted to test it out, because if it was actually true, it would change how we look at the universe and how we think about gravity. And he emphasized this in Royal Astronomy meetings, and he convinced his colleagues to help out in testing this theory. So he managed to convince another scientist by the name of Dyson, and Dyson and Eddington then made plans to go on another solar eclipse expedition in 1919 to West African island of Principe and a Brazilian town of Sobral. And the experiment was quite a success. Like, the weather was somewhat nice this time. By what I mean by that is there was a storm which was happening in the morning and the night before. But luckily, the storm stopped around noon and around 1:30, and they got a glimpse of the sun.
and then they just got to work. They took photographs, changing plates. They managed to take 16 photographs, and the cloud started covering up after that time. But by that time, they had gotten quite a good photographs to observe and measure things. So in this small window of time, they got their results, and this experiment was done in 1919. So this accuracy of the eclipse measurements was quite poor, and people at that time were not completely convinced. But since then, other people have reanalyzed the data set, and they conclude that Eddington was quite accurate, and light does indeed bend when passing through a massive object. So for 50 years after that, there was still uncertainty about these measurements, probably because it might have been such a paradigm shifting view from Newtonian gravity to Einstein's general relativity. But then observations were made at different frequencies like radio. And until the 1960s, it was definitely shown that the deflection was the full value predicted by general relativity and not the half number predicted by Newton. So this is a really fun, and it's probably one of my favorite experiments, because it gives great evidence that Einstein was right. And before this, Newton's theory was taken to be true for almost 300 years. And it shows that how much we know about our universe, but there are so much more that we new and exciting things that are left to be discovered. And if we work more on science and try and understand our universe, it can help designing cool experiments like this and finding out and understanding our universe better. And it's also a great story about how in science you need collaboration, friendship, and like mutual respect for one another, which is very essential in these endeavors. And all plans were made during the First World War between a German and an Englishman, which is crazy. And it shows that they were very dedicated to their work and science. So future work, we are still performing experiments. We are still testing Einstein's general relativity, which we hold to be true. We experiment with stuff like gravitational waves, time dilation experiment, and gravitational lensing, which is like the deflection of light, which we talked about right now, this experiment. And there are like citizen science programs where like called space warps and stuff like that, where you or anyone could help out in analyzing data if you have access to a computer, a good internet connection, and some free time. So yeah, I urge everyone to find these things and learn more about our fascinating universe in the process. Thank you. Thank you, Shamik. Thank you. We really learned a lot from you, and I hope so. All the best, Shamik. Thank you very much. Thank you. And I think the clouds are parting a little bit, and we can still see the eclipse in our eclipse viewer. And next, I would request Professor Suman Beri to say, Professor Suman Beri. Yes. Hello, what is happening? Can you hear me? Yeah. Go ahead. Yeah, we can hear. I don't have to give any formal talk. Dr. Shomik had given very nice introduction of general relativity. So I just, because since I work in the particle physics, a little bit on creation of universe. So I can tell you a little bit about Big Bang theory, and the next speaker would give more details of that. And as all of us know that our universe started with the one, and it started that and plasma, no planet, no sun, no star, nothing. And it took a few seconds. First, there were no forces, and then it took about 300,000 years when for the first time photon escaped and light was seen. And slowly, hydrogen, helium, protons, neutrons, and we had our galaxy, sun, stars. And by the way, sun is just one type of star, right? And earlier, the about eclipse, you are learning a lot about eclipse. But let me first thank you, SPSI, to give this opportunity to the students and audience
about the eclipse. There were many as one of the speakers has mentioned in the beginning also, that earlier eclipse was thought to be something which people used to first fear person that something wrong is going to happen. And I was just reading just the day before that in one of the Chinese books, it was written that there is a dog who has bitten the spoon, and that is a dog. And we are all be affected by this. But now we know scientifically how eclipse is there, and scientific reasons are there. So many myths which used to be earlier, of course, now science has been able to explain about the eclipse. And again, you know, people say that we should, naturally, we should not go out, we should not see sun because it would affect our retina. Otherwise, also sun rays are... Hello, yes? Otherwise, also sun rays are very intense. If we look at the sun, retina is going to be affected by it. So, and during eclipse, people think that since it is eclipse, we can see, but that one should not see because the rays are very much there, which can affect our eyes. So that is the reason one has to protect the eyes before looking or seeing through the telescope or through its reflection. That's one thing. And second is, today is International Yoga Day also. Actually, I follow one meditation of Sri Sri Paramahansa Yogananda Techniques. He's the author of Spiritual Classic Autobiography of Yogi. We are having 24 hours meditation today, and I just, in between, I'm taking a break from that meditation and here with you and participating in this and looking at the solar eclipse by SPSTI, which is thank a very... you for that. So now, coming to that, people used to, you should jump, do some mantras when solar eclipse is going on. Personally, I don't know, it's not authentic. Personally, I feel this is one of the ways to tell people not to go outside and see towards the sun, which can affect your eyes. Sit inside and, you know, at that time, at that when people could only understand the language of religion, less scientific there. So it was one way to keep them inside. And of course, doing that is not, it's not going to harm anyone anyway. So this is one thing I would say. And let me again thank SPSTI for giving me this opportunity. If you want to know anything else, Mrs. Dharavi, I can answer that. And otherwise, I'll after a few minutes, I'll go back to my 24 hours meditation, which is going on. Would you like to say so? Thank you very much. This was very interesting facts. And maybe you can join us towards the afternoon once more. Otherwise, thank you very much. We are really grateful that you came. And we have Professor Kanere from University of Pune. Professor Kanere. Yeah. Yeah. Thank you, Kriya, first for organizing this from one of the best places to see the eclipse. I can see now. Facebook pe aa raha hai. Pune. TV pe to news happens to be very small. Hello. Yes. Hello. I can hear you. All right. So unfortunately, yes. Pune happens to be in the beginning of monsoon season. So in the morning we did see some sunlight, but right now it is very cloudy. I'm very happy to see the actual picture of the eclipse. Pune is supposed to get 67%, so we won't be able to see, we wouldn't have seen the beauty of it. I hope to see it in another half an hour or so. I just want to make a comment about 50 years ago, even less, 60 years ago, when I was a kid around the age of 10 in Pune and in parts of Mumbai, there used to be
actually someone going around our mohalla telling us that, oh, there is an eclipse, so don't come out of the houses. So streets used to be absolutely empty because of the religious stuff. Today, I am very happy to see a sea of change, that people understand what it is and they go about their daily business as usual, don't stop their activities. So obviously in 60 years or 50 years of time, at least in cities, there has been a sea of change. Nobody talks about the superstitious business at all. So if you educate the people correctly, you do not have to take recourse to religion in some kind of mystic sense. And I see that, and I have experienced this when we taught what eclipse is to a set of cleaning women, the woman who come and clean streets, the age group of about 40 and 45, still very superstitious, but about an hour session with them really cleared a lot of their doubts. So two of the speakers have really given the ancient view of what we are, how we used to see the eclipse very mathematically correctly and very, very correct observations. Must be painful to make observations and come to physics of it and the modern view of it also. I also located a very interesting site, astro.ukho.gov.uk, which gave me a list of all the eclipses that are noted and seen in Pune from 1500 and odd. First one located here is 1502, but that's not interesting. It also has a simulation how eclipse occurs. I don't think I will be, even if I point out, let us see if I can show the animations. If you see the screen, let me know, because I'm not sure whether anything will be seen through the mobile that I have. But yeah, the animation shows actually how the eclipse is occurring. I'm not sure whether it was seen or not. But thank you very much for giving me this opportunity to interact with the people. And I'm sure the people from Pune, whom I have circulated, would be able to see actual eclipse, if not in Pune, at least from the best side. Thanks to Kaya and her team. So thank you, Professor Kanere. Thank you. In fact, during one of your demonstrations with the Swachh women, I was there, and it was a very nice, sweet experience. Oh yes, I remember. Yes, yes. Thank you. Yeah, yeah. Meanwhile, just appreciate how clear that image is. It's just a projection, not. इस समय आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप सेटअप जो है हमारे इंजीनियर मिस्टर अमन कुमार टेलीस्कोप के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय कितनी अच्छी इमेज जो है सूर्य की समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक टीम और भी मौजूद है, हम उनका भी लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं और हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि इस समय ये लोग कहाँ से आए हैं और हमें क्या बता रहे हैं। कैसा व्यू नजर आ रहा है आपको इस समय? सर काफी अच्छा है, इनफैक्ट 80% इक्लिप्स शुरू हो चुका है इस समय, तो हम लोग प्रॉपर कैमरा से फोटोग्राफी कर रहे हैं इस चीज की जी, जी। और आप देख सकते हैं कैमरा फोटोग्राफी ऑलमोस्ट हर फेज की हो रही है, थोड़ा कम दिखेगा लेकिन हम लोग पूरी तरीके से इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक पूरी तरीके से हम लोग इसके अंदर रहेंगे और कोशिश करेंगे टेलीस्कोप और इसके थ्रू पूरा कवरेज दे सके जी। ये आप क्या बताएंगे सर? अभी मैं देख रहा हूँ इसमें तो 70-80% हो गया है, तो अभी मैं टाइमलेस बना रहा हूँ, मतलब सारे फेसेस की एक फोटो लूंगा और उसको फिर कंबाइन करके एक वीडियो बनाएंगे पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो उसको दिखाएंगे। हो रहा है एसपीएसटीआई के सुजन्य से, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया।
अमन जी कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा टेलीस्कोप की सेट महसूस कर रहे हैं आप इस समय? टेलीस्कोप की सेट या कोई सर हमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? उठा सर हमें कोई आ रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। अच्छा आप एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को? एंजॉय कर रहे हैं, काफी सालों बाद देखने को मिलता है, काफी सालों बाद देखने को मिलता है इस तरह का मोमेंट। अभी एंजॉय कर रहे हैं अमन जी। देखिए अमन भी बड़ा रोमांचकारी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और ये पूरा सेटअप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम टेलीस्कोप के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। हमारी पूरी टीम इस समय हरियाणा कुरुक्षेत्र के छोटे से गांव सिरसला में मौजूद। विल इट अफेक्ट कोरोना और नॉट, दैट इज कोविड 19, नॉट अबाउट द सांस कोरोना। विल इट, इट विल एक्ट जस्ट एज इट वाज एक्टिंग यस्टरडे और टुमारो, नो इफेक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। That there that is there lot is of lot of negative energy during the eclipse period. Professor Kiyadaram will answer this question. This question is by Sunita Prasad. That is it true that there is lot of negative energy during the eclipse period? Professor Kiyadaram ma'am. There is lot of negative energy. During all the time. Not because of the eclipse specifically. There is positive energy and there is negative energy. There is another question by Antal Saab. Why it is harmful by seeing the sun with naked eyes? Our retina is not designed to take such a lot of direct sunlight. So your question is very good. Because you have asked why don't we see the sun? You have not mentioned the eclipse. So whether eclipse or no eclipse. Don't see the sun with naked eye. Next question by Avdesh Chauhan. Please tell why can't we see the ring of eclipse? I don't know what you mean by the ring of eclipse. We will see what is called the ring of fire in some minutes from now. Why should not we eat during the eclipse? Or can we eat and drink? क्या हम खा सकते हैं या हमें खाना नहीं? हमारी तरफ से आपको पूरी आजादी है। ये देखो हम पानी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। 11:50 इस समय हो चुके हैं और वो घड़ी बेहद ही नजदीक है जब सूर्य जो है पूरी तरह से ढक जाएगा और आपको केवल एक रिंग दिखाई देगा। जी हाँ, 12:01 पर पूरा जो है आपको एक रिंग के आकार में सूरज नजर आने वाला है, इसलिए वो समय बहुत करीब आ चुका है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें लाइव हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि इस समय जो चांद है आपको जो सूर्य है वो चांद की तरह आपको नजर आ रहा है, लगभग पूरी तरह ढकने वाला है। मात्र 11 मिनट का समय जो है इस समय शेष है और पूरी आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी टीम जो है इस समय मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप के माध्यम से आपको हम ये लाइव नजारा यहाँ का दिखा रहे हैं। मौसम में बदलाव आपको साफ इस समय नजर आ रहा है। धीरे धीरे जो है सूर्य जो है ढकने वाला है, चंद्रमा जो है पूरी तरह से इस समय सूर्य को कवर करने वाला है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है कि बिल्कुल चांद के आकार में जो सूरज जो है वो कटता हुआ आपको इस समय दिखाई दे रहा है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नजारा इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर घर बैठे जो है देख रहे हैं। और हमारे साथ हमारे मैडम प्रोफेसर किया धर्मवीर जी इस समय मौजूद है।
श्री धर्मवीर जी IAS फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, और जैसा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि SPSTI के सौजन्य से आप ये सब देख पा रहे हैं। SPSTI सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फ्रॉम पंचकुला, नाम से ही ये पता लग रहा है कि जो सोसाइटी है वो साइंस के प्रमोशन के लिए ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, और उसी लक्ष्य को लेकर आज हम अपने पूरे टेलीस्कोप के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं साइंस का ये अद्भुत नजारा, विज्ञान का अद्भुत नजारा, जिसका वर्षों तक जो है वैज्ञानिक इंतजार करते हैं इस घड़ी को देखने के लिए, इस नजारे को अपने कैमरा में कैद करने के लिए। वर्षों इंतजार के बाद आज ये घड़ी आई है और बहुत ही सुंदर मौसम भी करवट जो है इसमें बदल रहा है। बादल ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बादल जो है वो घने अभी छाने वाले हैं और मात्र 6 मिनट का समय इसमें जो है वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और उसके बाद जो है 38 सेकंड के लिए जो सूर्य है पूरी तरह से वो ढक जाएगा चंद्रमा के पीछे। बहुत ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर नजारा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर SPSTI के माध्यम से। और एक रिक्वेस्ट और आपसे, जितने भी लोग स्क्रीन पर इस नजारे को देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी शेयर जरूर कीजिए इसको, ताकि आपके साथ साथ आपके और जानने वाले भी इस अद्भुत नजारे को घर बैठे ही अपने मोबाइल और थोड़े समय बाद आप देखेंगे वो अद्भुत नजारा जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं उस घड़ी का कि कब हमें जो सूरज है वो रिंग के आकार में दिखाई देगा, और वो घड़ी बहुत ही करीब, वो समय बहुत ही नजदीक जब ठीक आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको सूर्य जो है एक रिंग के आकार में दिखाई देने वाला है, वो समय बहुत ही नजदीक इस समय आ रहा है। हमारी टीम भी बड़ी उत्साहित है, हम भी बड़े उत्साहित हैं उस दृश्य को देखने के लिए, उस नजारे को देखने के लिए, और सभी जो है अपनी सीट से इसमें खड़े हो चुके हैं और एक टक अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कब वो नजारा हमें दिखेगा। इस समय जो है हमारी पूरी टीम बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है और सभी जो है अपने सीट्स को छोड़कर खड़े हो चुके हैं इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप के माध्यम से फोटोग्राफी भी समय टीम के मेंबर जो है कर रहे हैं इस नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद करने के लिए। जी हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आपके साथ साथ इस नजारे को देख सकें। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहद ही खूबसूरत नजारा, चांद बिल्कुल ढक चुका है सूर्य को, एक आपको रिंग केवल नजर आ रही है, बिल्कुल एक पतली सी रिंग, हाफ रिंग हो चुका है और समय बहुत ही स्क्रीन पर दिखने वाला है। जी हाँ, जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए क्योंकि ये घड़ी अगर अभी आपके हाथ से निकल गई तो पता नहीं ये नजारा आपको कब देखने को मिलेगा। जी, और केवल 38 सेकंड आपके पास होंगे जब आप इस नजारे को पूर्ण रूप से देख पाएंगे। देखिए कितना जो एक्साइटमेंट हमारे टीम मेंबर्स में भी समय है जो देख रहे हैं पूरे ध्यान से अपने मोबाइल स्क्रीन में कैप्चर करने की पूरी कोशिश इस समय की जा रही है, और 3 मिनट का समय जो है रह गया है कि जब पूरी तरह से सूर्य ग्रहण जो है वो लग जाएगा, जिसकी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह का हमने आपको बताया कि क्या इसकी उपलब्धि रहती है। सूर्य ग्रहण को लेकर काफी लोगों के अंदर जिज्ञासा और मन में कई क्वेश्चन रहते हैं कि इस दौरान क्या हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम साइंस से जुड़े हैं तो हम तो इस बात का परहेज नहीं करते कि कुछ खाना है नहीं खाना है, हम तो सुबह से खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट जो है इस नजारे को अलग नजरिए से देखते हैं और धार्मिक जो भावना है वो अलग नजरिए से इस मूड को देखती है, और समय बेहद ही करीब। जी हाँ, समय बहुत ही करीब है, बहुत ही कम समय है अभी, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आसमान में अंधेरा जो है इस समय छा रहा है, बहुत ही कम समय। जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस नजारे को देख सकें, और अब तो डायरेक्ट भी हम सूर्य को दिखा सकते हैं अपने मोबाइल फोन से क्योंकि बहुत ज्यादा जो है चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया है, बिल्कुल एक कटा हुआ एक अर्ध रिंग जो है आप देख पा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर नजारा, पूरी टीम देखिए इस समय बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे अभी रात जो है होने वाली है, नाइट का आभास हमें यहाँ पर इस समय हो रहा है जहाँ पे हम खड़े हैं। बहुत ही ओपन एरिया है, लेकिन बिल्कुल जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, बड़ा ही अद्भुत नजारा। और इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है रात जो है होने वाली है, क्योंकि दिन और रात होने में सूर्य का बहुत बड़ा हाथ रहता है, इन्हीं के कारण जो है हम दिन और रात को देख पाते हैं। इस समय ऐसा महसूस हो रहा है, मैं बादलों की आपको तस्वीर दिखा दूं, इस समय बादलों की तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। थोड़ी ही देर बस, एक मिनट, केवल एक मिनट शेष। जी हाँ, एक मिनट शेष है, उसके बाद 38 सेकंड के लिए पूरी तरह से सूर्य जो है वो ढक जाएगा। जो हाफ सर्कल इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है वो थोड़ी देर में पूरा रिंग का आकार ले लेगा, इसलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आंखें लगाए रखें। जी प्रोफेसर किया द्रविड़ मैम जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, मैम जी कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में प्लीज? जैसे ही मून का डिस्क पूरा सन के सामने आ जाएगा, दैट मोमेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेकंड कॉन्टैक्ट। फर्स्ट कॉन्टैक्ट ये था जब से जस्ट हुआ था, और जब वो डिस्क पूरा सन के अंदर होगा तो सेकंड कॉन्टैक्ट होगा, फिर वो निकलते थर्ड कॉन्टैक्ट करेगा, और जब पूरा निकल चुकेगा तो फोर्थ कॉन्टैक्ट है। दीज आर द फोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जी। जी थैंक यू मैम, लेकिन मैम बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि मैम का बोलना है कि समय समय बोलने का नहीं बल्कि देखने का है, क्योंकि बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। जी सेवेंटी फाइव परसेंट जो है ये कवर हो चुका है, और हमें अंधेरे का आभास इस समय हो रहा है, आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ का मौसम आपको दिखा रहा हूँ। so, देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा जो है छाने वाला है। देखिए अब ये पूरा होने जा रहा है, बहुत ही सुंदर। इट्स वेरी नाइस, रिंग बन चुकी है, वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस, बन गया जी कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग जो है बन चुकी है। जी जी वेरी नाइस, बहुत ही बहुत सुंदर रिंग इस समय आप देख पा रहे हैं, परफेक्ट। अगर आप नेक आई से इसको देखेंगे तो आपको रिंग जो है नजर नहीं आएगी, लेकिन आप मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से बिल्कुल एक कंप्लीट रिंग देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। जी जी प्रोफेसर मैम बता रहे हैं कि अगर सेल्फी मोड में देखेंगे परफेक्ट, अद्भुत नजारा। और इस समय हमारी टीम आउट हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुका है आउट होना, बहुत ही सुंदर नजारा। और टीम का जो जोश देखने को बन रहा था इस समय, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे हम इस काम के लिए, और आखिर हमें सफलता मिली, और आप लोग भी हमारे साथ बने रहे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। SPSTI सोसाइटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया आपको इस तरह के इवेंट जो है दिखाती रहती है, और आज इस अद्भुत नजारे के लिए हम सुबह से यहाँ पर 8 बजे हमने अपना सेट जो है यहाँ पर लगा दिया था, और बेहद ही सुंदर नजारा हमने आपको दिखाया, बहुत ही अद्भुत नजारा जो आपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। इन फ्यूचर भी आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं फोटो ले तूने अभी आपने एक बड़ा खूबसूरत दृश्य देखा। अगर लॉकडाउन ना होता तो सोसाइटी की प्लान थी कि एक बड़ा फंक्शन करने की, जिसमें कि
टेलीस्कोप लगा के आप फिल्टर से देख सकते हो। मगर मजेदार चीज ये है कि 1500 साल से हिंदुस्तान में प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं और हम प्लान कर सकते हैं कि हमने इस इवेंट को इस तरह से देखा, मगर 1500 साल से पहले जो ग्रहण लगता था वो अचानक लग जाता था, ये लोगों में आतंक का माहौल फैल जाता था। मजेदार बात ये है कि हमारी बहुत सारी जो परंपराएं हैं इस वक्त वो 1500 साल से पुरानी हैं। उस वक्त सूर्य था वो देवता था, एक असुर के कारण और अब हमें पता है कि मैथमेटिकली हमें मालूम है कि इक्लिप्स क्यों लगता है, मगर जो प्राचीन धारणाएं हैं अभी भी बनी हुई हैं। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है तो हमें ये समझना जरूरी है कि पुरानी कौन सी धारणाएं अभी मान्य हैं उनको हम रख लें और कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जो कि अब इररेलेवेंट हो गई हैं, आउट ऑफ डेट हो गई हैं। तो जो वैसे एक बात तो ठीक है कि जब ग्रहण लगता है, पार्शल ग्रहण लगता है, तो सूरज की चकाचौंध बहुत कम हो जाती है, मगर फिर भी जो सूरज की लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। नॉर्मली जब आप सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं। ग्रहण के टाइम, पार्शल ग्रहण के टाइम आप सूरज को घूर सकते हैं और आंखें डैमेज कर सकते हैं, मगर इस अगर आप प्रिकॉशन ले लें तो सूरज ग्रहण को देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत ही नोबल एक्सपीरियंस है। और हर इंसान को चाहिए कि अगर आपको इक्लिप्स देखने का मौका मिल रहा है तो आप उसे अवश्य देखें। साथ ही साथ जो स्यूडो साइंस जुड़ गई है इससे और बल्कि बढ़ती जा रही है, जितनी साइंस तरक्की कर रही है उससे ज्यादा तरक्की स्यूडो साइंस कर रही है, तो हमें सावधान रहना है कि पुरानी मान्यताओं की हम कदर करें कि वो पुरानी मान्यता है और हमारी परंपरा का हिस्सा है, पर साथ ही साथ हम ये भी डिसाइड करें, ये भी सुनिश्चित कर लें कि कौन सी ऐसी पुरानी धारणाएं हैं जो अब रखी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें विज्ञान की दृष्टि से बहुत सारी ऐसी बातें पता चल गई हैं जो आज से 1500, 1600, 2000 साल पहले मालूम नहीं। धन्यवाद। यस, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेसर कोचर। Is there anything? Yeah, very interesting observations on what we should believe and what we should not believe. So, have you witnessed a total solar eclipse? And in what way is it different from the annular? I mean, the experience. We know that total means the disk will be completely covered. एन्युअल इक्लिप्स तो पार्शियली हुआ ना, सुंदर लगता है, तो बादल आ गए। हाँ, मगर मगर जो नजारा टोटल इक्लिप्स का है उससे खूबसूरत चीज एस्ट्रोनॉमी के पास कम ही है, और बड़ा सुंदर सोलर कोरोना दिखता है। That's right. आजकल कोरोना शब्द जो हाईजैक हो गया है, बायोलॉजी में चला गया है, मगर कोरोना का मतलब क्राउन है और जो कोरोना दिखता है। और एक और जो आपको सोलर इक्लिप्स देखने में सुंदर है, मगर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सूरज की डिस्क वो ब्लॉक हो जाती है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं कि जो साइंटिफिकली आप एक्सपेरिमेंटली आप कर सकते हैं, जो साधारण दिवस पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की चकाचौंध है जो लाइट है, जब सूरज की लाइट डिस्क छुप जाती है, कोरोना की स्टडी जो है, तो अभी भी जो एस्ट्रोनोमर हैं वो 10-10 हजार किलोमीटर जाते हैं इक्लिप्स देखने के। तो इक्लिप्स एक ऐसी चीज है जिसका कल्चर में, सोसाइटी में, मॉडर्न साइंस में और साइंस की हिस्ट्री में बराबर महत्व रहा है।
ऐसी बहुत कम बातें होंगी इंसान के सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में, दुनिया के किसी और के कल्चर में, कि जो जितना महत्व सूरज का है और सही है, उसके हिसाब से जो आज मॉडर्न साइंस में भी सूरज का उतनी ही कदर है जितनी आज से 5000 साल पहले हर सोसाइटी में सूरज का डर था। सो थैंक यू प्रोफेसर कोचर। सो वी हैव हरविंदर जसल नाउ विथ अस। शी इज फ्रॉम आईसर मोहाली एंड शी वर्क्स इन astronomical sciences, astrophysics to be precise. So Harvinder, you have also your setup and you witnessed today's solar eclipse. What would you like to say to the audience? Yeah. मेरा तो यही कहना है कि मैंने सबसे पहले eclipse जो है 95 में देखा था, जो भरतपुर जाके देखा था दिल्ली से, और उसके बाद कोई मौका नहीं छोड़ा eclipse को देखने का। Because once you are, we've seen it, you are hooked for your life. और दूसरा ये है कि there इसके अंदर जो बहुत सारे डर हैं, myths हैं और हमारी पुरानी superstitions हैं, उनको भी अपने दिमाग से, जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, वो निकालना और इसको समझना कि ये actually क्या है। सिर्फ एक game of shadows है, play of shadows है, game भी नहीं। जिस तरह से एक पेड़ की छाया है, उसी तरह से हमारे ऊपर एक इस वक्त चंद्रमा की छाया पड़ रही है। तो ये जानना भी बहुत अच्छा है कि एक किसी चीज़ के जानने से उसका डर खत्म हो जाता है। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद मी, कि इसके बारे में जाने। एंड टुडे आज के हमने अपने गार्डन में, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग कारण, अपने गार्डन में हमने प्रोजेक्शन लगाया था और एक एक करके कुछ बच्चे आ गए थे, बट ज्यादा लोग अपने घरों से ही देख रहे हैं। तो इस बार बाकी सालों से तो अलग एक्सपीरियंस था, मगर फिर भी एक वही एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। तो दूसरा ये है कि एक्लिप्स का जनरल रिलेटिविटी, जिस पे मैं काम करती हूँ, उसके लिए भी बहुत महत्व है। जैसे एक्लिप्स के दौरान ही आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का टेस्ट किया गया था पहली बार 1919 में, एडिंगटन ने किया था, कि जो लाइट हमें दिख रही है एक्लिप्स के दौरान, जो लाइट सूरज के पास से आती है, उसका पाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और वो दिन और रात की उनकी पोजीशंस के डिफरेंस थे, और दिन में वो कैसे दिखाई दिए, बिकॉज चंद्रमा ने सूरज की डिस्क को ढक लिया था। तो हमें वो दिखा उन पोजीशंस के डिफरेंस से आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का टेस्ट हुआ, और वो उसके बाद एक फेमस उनकी ख्याति इसी से ज़्यादा हुई। और मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं जनरल रिलेटिविटी पर भी काम करती हूँ, एक एक्लिप्स का एक बहुत महत्व है। और अभी करंट साइंस में भी, जैसे एक्लिप्सिंग बाइनरीज होते हैं, और कई बार एक्सोप्लैनेट ट्रांजिट के थ्रू, वो भी एक तरीके का एक्लिप्स ही है, नए ढूंढे गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका साइंस के लिए और जनरल और ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसलिए मुझे इसीलिए बहुत एक्साइटिंग लगता है। हेलो, ओके। सो हरविंदर, आई वुड लाइक टू नो दैट डू यू लर्न एनीथिंग अबाउट द एलिमेंट्स अराउंड द सन और इन द सन बाय वाचिंग अ सोलर इक्लिप्स? जैसे मैंने कहा कि लाइट कम हो गई है, तो उसके पीछे के जो जो मतलब जो जो उसके तारे जो हमें दिन में नहीं दिखते, वो देख के और उनकी पोजीशंस का पता लगा के। अब जहाँ तक एलिमेंट्स की बात है, वो तो सूरज की रोशनी और उसके स्पेक्ट्रम से पता लग जाता है कौन से लाइट है। जैसे ये पूरा एक्लिप्स नहीं था, तो आसपास जो लाइट है वो सूर्य की रोशनी ही है, जैसे हमें एक कड़ा जैसा दिखा। तो बेसिकली इसका महत्व ग्रेविटी के मेजरमेंट्स के लिए भी, के लिए ज़्यादा होगा, ये कहूँगी। Yeah. Okay. Thank you for being with us. And in near future, please share some of your pictures so that we can put them up on our website or for our viewers as well.
कई तरीके से ली हैं, टेलीस्कोप से, मोबाइल से और छाननी के थ्रू प्रोजेक्ट करके भी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। धन्यवाद, थैंक यू। या आई नो, सो एज यू ऑल मस्ट हैव सीन इन वेरियस प्लेसेस दैट यू कैन सी द सन यूजिंग अ पिनहोल कैमरा सेटअप। इट सो हैपेंस दैट इवन नेचर हैज गिवन लॉट्स ऑफ पिनहोल्स टू अस। If you look at the sun's rays coming through the leaves of a tree, then you can see the sun's shadow exactly in the shape as you can see on the screen now. And somebody has sent us a, unfortunately, we don't have big trees around. So I will try to share with you the pictures that somebody has sent us. हेलो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कुरुक्षेत्र श्री धीरेन्द्र खटगटा जी हैव जॉइंड अस ऑन द लाइव स्ट्रीम ऑफ एनुलर सोलर इक्लिप्स। सो श्री धीरेन्द्र खटगटा जी, नाउ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मवीर जी विल से फ्यू वर्ड्स as your voice is not reaching us properly in good quality, so sir will address with few words. Hello, thank you DC sir for supporting our event. It was really nice to have been here. For more than 2 hours we have been witnessing the sun eclipse, and this is after a long time I have seen this. So, and it has a lot of scientific value. A student from Kuala Lumpur who has been our volunteer for the last 2 summer schools, and when I sent the notice to him, he said, you know, he's only in class 12. He said last time I traveled from Kuala Lumpur to Singapore just to see the eclipse. So today he will be showing some of his pictures taken from that time and also share some of his experience. So Tanmay is the person we are. Hello everyone, mera naam Tanmay hai aur main abhi ek college student hu jo jaane wala university attend karne wala hu September mein. Maine SKCI ke sath pehle bhi kaam kiya hai, volunteering in their summer programs, aur आज मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने एनुलर सोलर इक्लिप्स के बारे में जो पिछली बार दिसंबर 26, 2019 को हुआ था। मैं सिंगापुर गया था, मैं कुआलालंपुर में रहता हूँ मलेशिया में, तो हमने 6-6 घंटे की ड्राइव लेके नीचे सिंगापुर जाके हमने देखा था इक्लिप्स, क्योंकि वो भी लाइन ऑफ मैक्सिमम इक्लिप्स में था, जैसे कुरुक्षेत्र है उसमें लाइन ऑफ एनुलरिटी बोलते हैं उसे। और उसके लिए देखने के लिए हमारे पास हमने ये लिए थे ये सोलर इक्लिप्स क्लासेस जो हमें पहनने पड़ते हैं देखने से पहले, नहीं तो जो यूवी रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज वो हमारे आँख को डैमेज कर सकती है। जैसे हमारी आँख को डैमेज कर सकती है वैसे वो कैमरास को और फोन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक ग्लासेस का पैर लेके काट दिया था उन्हें, और ये दोनों फिल्टर्स इम्प्रोवाइज किए थे। ये फिल्टर कैमरा के लिए क्योंकि सर्कुलर लेंस होती है, तो मैंने उस पर लगा के ट्राईपॉड पर लेके मैंने पिक्चर्स ली थी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और फिर मैंने ये भी लिया था, ये काटा था ताकि मैं इसे अपने फोन कैमरा पर लगा के पिक्चर्स ले सकूं उसे लेने पिक्चर। तो हाँ जी, तो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ। ये है एक कॉम्पोजिट इमेज, मतलब मैंने एक इमेज में डाल दी, एक बैकग्राउंड चूज करके पिक्चर की, और इसमें आप सब स्टेजेस देख सकते हैं कैसे स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, और फिर कैसे चलता रहा और यहाँ पर ख़त्म हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं कि कलर भी कैसे चेंज हो रहा है, जो कलर परसीव हो रहा था कैमरा के थ्रू, पहले बहुत येलो था, फिर थोड़ी धीरे धीरे थोड़ा लाल हो गया, डार्कर हो गया कलर, और फिर बीच में जो रिंग है वो रिंग ऑफ फायर एक्चुअली इस बार मुझे प्लैटिनम रिंग ऑफ फायर लगी, सिल्वरिश वाइट लगी, क्योंकि जो देखा था वो बादल के थ्रू हमें देखा था, क्योंकि बादल थे बहुत वहाँ सिंगापुर में, हमेशा होते हैं बादल यहाँ पर, अभी भी बादल है बाहर, पर बादल के थ्रू हमने रिंग ऑफ फायर देखी थी इसलिए वो सिल्वर आई थी। तो मैंने सोचा मैं वो सब स्टेजेस तो हमने फोटोग्राफ लिए, 5-5 मिनट, हर 5 मिनट पिक्चर लेके
एक में डाल के आप देख सकते हो ट्रांजिशन कैसे होता है। तो जो आपने अभी इवेंट देखा, अगर उसका पूरा एक टाइम लैप्स बनाते हैं या उसका समरी बनाते हैं, वो ऐसे लगते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट पिक्चर है जो मैंने ली थी एक्लिप्स की, और आप देख सकते हैं वो सूरज और चांद की परछाई भी है, और वो परछाई इसलिए दिख रही है क्योंकि ये लंबा एक्सपोजर था, तो लेंस बहुत देर के लिए खुली हुई थी, और जब लेंस खुली हुई थी तो इसमें हमें जब पहले जहाँ पर चांद और सूरज थे और फिर दो तीन सेकंड बाद कहाँ पर हिल गए थे वो भी दिख रहा है, हमें मूवमेंट दिखती है कैसे चांद और सूरज चलते हैं आसमान में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज क्योंकि हम इतने जूम्ड इन थे कि हमें दिख भी रहा था इनका मूवमेंट। ये भी मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी जो मैंने ली है। इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम चांद देख रहे हैं पर असली में ये वही सूरज है और चांद से कवर कर रहा है, तो एक्लिप्स का एक स्टेज ही है ये। तो इसलिए मैंने इसे टाइटल दिया था मैस्करेडिंग एज अ मून, छुप रहा है मून की तरह बन के छुप रहा है। और हाँ, और जैसे मैं बात कर रहा था फोन के थ्रू भी ले सकते हैं पिक्चर, तो मैंने एक ऐसी ली थी क्लाउड्स के थ्रू, हमें ऐसे दिख रहा था। और फिर ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई इमोजी है, अगर वहाँ पर दो बिंदी डाल दो, जैसे वो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है स्माइली फेस, अगर आप इस पे यहाँ पर दो बिंदी डाल दोगे तो ऐसा लगता है कि स्माइलिंग फेस है, इसलिए मैंने ग्लोइंग स्माइल बोला, ऐसे इमोजी की तरह ऑलमोस्ट। फिर इस स्टेज पे हम बस एनुअलिटी में पहुंचने वाले हैं, जैसे आपने एनुअलिटी के 30 ये शायद एनुअलिटी से 3 मिनट पहले ले ली थी, बस 3 मिनट पहले एनुअलिटी से आप देख सकते हो। और ये फिर से मैंने ली है क्लाउड्स के थ्रू, आपको दिख रही है, तो ये भी बस एनुअलिटी से 3 मिनट पहले। एंड देन ये एनुअलिटी के बाद है, तो अब चांद और सूरज दूसरे साइड पे पहुंच गए हैं, और जब दूसरे साइड पे पहुंच गए अब मैंने बोला यार अब सैड फेस बन गया, हैप्पी फेस से सैड फेस बन गया, तो टर्न दैट फ्राउन अपसाइड डाउन, अगर फिर से दो बिंदी डालेंगे तो वो सैड फेस बन गया। पर हाँ जी, तो वो है मेरी पिक्चर्स की जो मैंने ली थी सिंगापुर में। और इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे चांद और सूरज दोनों हिल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सूरज एक जगह और फिर चांद आगे आ रहे हैं उसके, नहीं, पर सूरज और चांद दोनों हिल रहे आसमान में। और वो दिखाने के लिए मेरे पास ये सीरीज भी है, ये सीरीज भी है, अगर आप ये देखेंगे तो चांद और सूरज एक जगह यहाँ शुरू होते हैं और फिर स्क्रीन पे मूव होते रहेंगे। मैंने कैमरा को एक जगह ही रखा था ताकि आप मूवमेंट देख सकते हैं, उसका मूवमेंट कैसे हुआ, चलते रहो बस एनुअलिटी पहुंच के, और फिर बहुत छोटा बहुत ब्राइट नहीं है ये ज्यादा, पर फिर चलते रहेंगे तो दूसरी साइड पे आ गया, दूसरी साइड पे आ गया चांद, सॉरी चांद और सूरज अभी पहुंचने वाले हैं एनुअलिटी, पहुंच रहे हैं और अब दूसरी साइड पे आ गया, आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल है अभी, पर इस साइड पे आ गया, यहाँ पर ये रहा, हाँ जी दूसरी साइड पे आ गया। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सिर्फ चांद नहीं हिल रहा पर दोनों हिल रहे हैं, जैसे कि हम अर्थ रोटेट होते रहता है और सूरज ईस्ट से वेस्ट जाता है, वैसे चांद भी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, इसलिए वो क्रॉस करते हैं पाथ, और जब ऐसे रोटेट करते हैं तो दोनों आसमान में एक जगह नहीं क्रॉस हो रहे हैं पर जैसे क्रॉस हो रहे हैं चलते रहते हैं, तो दोनों सच में मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पास और फिर बाद में सेपरेट हो रहे हैं, ऐसे लगता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और इस एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे लिए ये था कि जब देखते हैं चांद और सूरज और सोचते हैं कि कितने बड़े हैं चांद, कितना बड़ा चांद है और सूरज कितना बड़ा है, हमें ये लगता है कि हम कितने छोटे हैं, तो चींटी भी नहीं है हम इस यूनिवर्स में, चींटी भी नहीं है हम इंसान, तो बहुत हम्बलिंग सी फीलिंग होती है। और जब ये फीलिंग भी आती है पर इसके साथ एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी आती है कि हमने साथ में काम किया, हम साथ वहाँ पर पहुँचे हैं कि हम साथ में कोलैबोरेट करके ये देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अभी ये लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं, तो हम चींटी भी नहीं होंगे यूनिवर्स के स्केल पे, पर श्योरली कुछ स्पेशल तो है।
और वो जो एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है और जो जो सब शांत हो जाते हैं और सब ऊपर देखते हैं सोचते हैं इतना अंधेरा कैसे हो गया, वो एक वंडरिंग एक जो हम सब शेयर हैं as humans, that is a feeling that I think is very important, बहुत important हमारे लिए. और वो same wonderment, वो feeling and collective connectedness is something that we should share in everything we do. इसलिए मेरे लिए ये experience और ये memory सिर्फ astronomy के बारे में नहीं पर also हम इंसानों के बारे में, हमारा shared human experience क्या है उसके बारे में भी है. इसलिए मैं बस ये बोलूँगा कि जस्ट जो आपने आज मेमोरी बनाई है ये एक्लिप्स ऑब्जर्व करके, एनुअलर एक्लिप्स ऑब्जर्व करके, वो आप आधे याद रखिए. जब आगे कुछ आएगा, कोई इवेंट आएगा और सब एक कलेक्टिवली शेयर्ड वंडरमेंट में क्वेश्चनिंग में, याद रखिए कि हम सब साथ में हैं जो इसमें है. और जो एक्साइटमेंट आती है वो सब काम में ले जाए, बिकॉज वही सबसे बड़ी बात होती है जब आप एस्ट्रोनॉमी स्टडी करते हो, स्पेशली मेरे लिए जो मैं करने वाला हूँ एस्ट्रोफिजिक्स. तो जब आप वो करते हो आपको पता चलता है कि हम तो इतने छोटे, हम करेंगे क्या, जो भी हम यहाँ पर करें वो से उस पर हम कोई फर्क नहीं कर सकते पूरी यूनिवर्स पे. जो भी हम यहाँ पर आज करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सूरज पे या फिर चांद पे, पर हाँ हम ये अब एक दूसरे ऊपर फर्क कर सकते हैं. इसे ये याद रखना है कि हम साथ में इसमें, और जो एक्साइटमेंट होती है, वंडरमेंट होती है, वो डेफिनेटली याद रखेगा. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि सुबह से जो नेट है वो ऑन है शायद, इसकी वजह से कुछ टेक्निकल इशू बार बार आ रहा है, लेकिन फाइनली हमने बहुत अच्छे से इसको देखा और हमारे साथ साथ आप सब ने भी इसको एंजॉय किया. बहुत ही सुंदर दृश्य, बड़ा अद्भुत नजारा आज आपने देखा सोलर एक्लिप्स का. तो आपसे विदा लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर गोइंग टू एंड अवर ब्रॉडकास्ट. वी आर हार्टली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू रिमेन्ड जॉइन अस विद अस सिंस मॉर्निंग. You can watch anytime this complete video at our Facebook page or on our YouTube channel Circus of Science also. Please do share some feedback, genuine feedback with us on our email ID info@spsta.org. We would be happy if you send genuine feedback to us that what you felt today after watching this live annular solar eclipse view. We will try in future that some more exciting seminars and webinars and sky watch events will be telecasted for you in near future. So very much thank you to all of you. Do not forget to write to us at info@spsta.org. So then you can see that the day is clear, sunny now. The eclipse has not ended. It will end at 1:47 p.m. in Kurukshetra. 1:47 pe khatam hoga Surya Grahan. Jo Purn Surya Grahan tha, Valyakar, wo sirf 38 second ke liye tha. Annular solar eclipse that started at from 12 p.m. and last for 38 seconds. अब देखिए अभी सूर्य बिल्कुल साफ नजर आ रहा है एंड द डे इज क्लियर सनी. सो एंडिंग द लाइव ब्रॉडकास्ट नाउ. प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, फेसबुक चैनल एंड यूट्यूब चैनल सो दैट यू मे गेट द फ्यूचर नोटिफिकेशंस. Thank you so much.